गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल दो रेसिपी, जिसमें हम पहले बनाएंगे कुट्टू की पकौड़ी। आप पकौड़ी कह सकते हैं, पूरी कह सकते हैं, कचौरी कह सकते हैं, और आप इन्हें दही के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। और दूसरी बनाएंगे हम साबूदाना का पोहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी, जिसके लिए चाहिए होंगे हमें 2 उबले हुए आलू, कुट्टू का आटा, आप चाहे तो इसमें साबूदाना ऐड कर सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं, हरी मिर्च, सेंधा नमक और काली मिर्च। जब तक हम अपना इनका बैटर तैयार करते हैं, हम गैस पर तेल गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने आलू को ग्रेट कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही आसान हैं। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हमारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च, साबूदाना जो कि मैंने भिगो कर लिया हुआ है, सेंधा नमक, आप इसको अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, मैं यहाँ आधा चम्मच डाल रही हूँ, और काली मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुट्टू का आटा। अब थोड़ा थोड़ा ऐड करिए और इसका एक डो बनाना है हमें, जैसे हम पूरी का डो बनाते हैं। तो अब तैयार है, हम हाथों पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी पूरियां ऐसे प्रेस करते हुए बना लेंगे। अब हम अपने सारे डो की ऐसे ही पूरियां बना लेंगे प्रेस करते हुए घी लगाकर हाथों पर। देख सकते हैं कि हमारी सारी पूरियाँ तैयार हैं। तो चलो अब इन्हें तलते हैं, और आप इसको तलते वक्त स्लो आंच पर ही तलें ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहे। जब तक हमारा ये पूरियाँ तैयार हुई थी, तब तक हमने गैस पर तेल गरम कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हें तलना। और गैस को आप स्लो ही रखना। आप इसे दही के साथ, रायते के साथ या फिर आलू की फलाहारी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब तक ये एक तरफ से ना सिक जाए, इन्हें ना चलाएं। और अब हमारी एक तरफ से सिक चुकी हैं हल्की हल्की, अब हम इन्हें पलट देंगे। आप देख सकते हैं हमारी पूरियाँ तैयार हैं। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्प है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड रेसिपी। मूंगफली को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको घी में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको घी में फ्राई कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। मूंगफली अब रोस्ट हो चुकी हैं, अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अगर आप इसमें से कुछ स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो, जो आप व्रत में नहीं खाते हो। जीरा होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, एक कटी हुई मिर्च और अदरक। इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर
और उबला हुआ आलू मिक्स करेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच सेंधा नमक डालेंगे और एक चौथाई चम्मच काली मिर्च डालेंगे। इन्हें मिलाकर इसको स्लो आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। लगभग 2 मिनट हो गए हैं हमारे टमाटर को और आलू को पकते हुए और हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसी में हम ऐड करेंगे 1 कटोरी साबूदाना जो कि मैंने 8 से 9 घंटे भिगोकर और धोकर लिया है। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम फिर से ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारे साबूदाना के पोहे को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और गैस बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और जो मूंगफली हमने रोस्ट करके रखी हुई थी वो। हमारा साबूदाना का पोहा खाने के लिए तैयार है। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं या फिर सुबह खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।